हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है चौधरी। आप देख रहे हैं पैरोती नौकरी। आज मैं बताऊंगा असम पुलिस रिक्रूटमेंट जेल वार्डर पोस्टिंग में जेल वार्डर का फॉर्म कैसे फिलअप करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, नीचे लाल बटन मिल जाएगा, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। मैं हर रोज ऐसे रिलेटेड वीडियो लेते रहता हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालना है। सो मैंने पहले मैं आप मेरा मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर गेट ओटीपी में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक एसओपी आएगा, मोबाइल में डालना है 5-1। मैं ओटीपी डाल दिया, अभी सबमिट में क्लिक करना है। आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, जेंडर, कास्ट, वेदर एक्स सर्विस मैंने किया, डेट ऑफ बर्थ कितना है, एंटर डेट ऑफ बर्थ है, एज, डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन सब डालना है। ठीक है, सो मैं सब कुछ डाल लेता हूँ। ठीक है, पोस्ट करके। सो फ्रेंड, मैं मेरा पर्सनल डिटेल्स डाल दिया। ठीक है, फर्स्ट नेम डाल दिया, मिडिल नेम डाल दिया, लास्ट नेम डाल दिया, फादर नेम, जेंडर, जेंडर मेल और फीमेल, मेल और मेल हो तो मेल दे देना, फीमेल तो फीमेल दे देना। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट, आप कास्ट कौन सा कास्ट में हो, ओबीसी, एमओबीसी, एससी और एसटी, जनरल, तो मैं जनरल डाल दिया। ठीक है, वेदर एक्स सर्विस, आप एक्स सर्विस में हो क्या, तो एक्स सर्विस में तो यस दे देना, नहीं तो नो दे देना। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दिया हुआ है। रिलीजन, आप कौन सा रिलीजन में है, इस्लाम है तो क्रिश्चियनिटी है, सिखिज्म है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, तो मैं डाल दिया ऑलरेडी। ठीक है, फ़ोन नंबर तो डाल ऑलरेडी तो डाल दिया, तो अभी डाल फ़ोन नंबर तो ऑलरेडी तो डाल दिया। ठीक है, अभी डालना नहीं पड़ेगा। ईमेल आईडी ऑप्शनल है, आपके पास ईमेल आईडी है तो डाल देना, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर विलेज, टाउन, सिटी आप डालना पड़ेगा, आपका विलेज का नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम, पुलिस स्टेशन का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, पिन कोड का नाम। सो मैं ऑलरेडी सब कुछ डाल दिया, यहाँ पर डाल देना। ठीक है, एकेडमिक अदर डिटेल्स, यहाँ पर ग्रेजुएशन मैं तो क्या, आपको पास, आप 8-10 पास हो तो 10 पास दे देना, 11 पास हो 11 पास देना, 12 पास हो तो 12 पास देना, ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन फ्रेज में मैंने ग्रेजुएशन डाल दिया। ठीक है, और कौन से स्कूल से आपको पास किया, कौन सा कॉलेज से पास किया, कौन सा यूनिवर्सिटी, मैंने तो दे दिया। ठीक है, स्कूल का नाम और कॉलेज का नाम और यूनिवर्सिटी का नाम डाल देना पड़ेगा, डाल दे दिया मैं तो, डाल दे दो। तो डिप्लोमा कोर्स को कौन सा डिप्लोमा क्या, आप इसी 3 में आप डिप्लोमा किया क्या, हैंडीक्राफ्ट में, वेबिंग में, टेलरिंग में, तो मैं इसी में कुछ भी नहीं, नाम दे देना। ठीक है, यहाँ पर डिप्लोमा कोर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन व नेटवर्किंग डायरेक्शन, जो मैंने कंप्यूटर किया तो कंप्यूटर डिप्लोमा है तो दे देना, कितना साल का किया, कितना मंथ के किया। ठीक है, तो मैंने 3 मंथ का किया तो मैं 3 मंथ का दे दिया। ठीक है, एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो दे देना, सी सर्टिफिकेट है तो दे देना, ये सब नो, तो मेरा पास नहीं है कोई एनसीसी सर्टिफिकेट तो मैं नो दिया दिया। तो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट नन, कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट मेरा पास नहीं है। आप होम गार्ड है तो ये है तो दे देना। ठीक है, ऑप्शन है तो आप 1 साल किया होम गार्ड में, 2 साल किया, और यहाँ पर नन ऑप्शन भी है, मैं तो नन दे दिया, मैंने कोई होम गार्ड ट्रेनिंग भी नहीं किया। ठीक है, यहाँ पर पासपोर्ट साइट में आप मोबाइल में कर रहा हूँ। ठीक है, तो कोई आपके पास लैपटॉप है तो वो भी अच्छा है, कंप्यूटर भी अच्छा है। ठीक है, मैं वो ये वाला रिसाइज कर लिया, मेरा एक सॉफ्टवेयर मिला है, उसका नाम है रिसाइज फोटो। ये सॉफ्टवेयर फोटो पिक्चर रिसाइज का सॉफ्टवेयर है। आप लोग फोटो डॉक्यूमेंट रिसाइज कर सकते हो। ठीक है, ये लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया और आसानी से मिल जाएगा आप लोग प्ले स्टोर में। सो फ्रेंड, यहाँ पर प्रीव्यू ऑप्शन मिलेगा, प्रीव्यू ऑप्शन में क्लिक करना है। तो प्रीव्यू ऑप्शन में क्लिक करने के बाद जैसा पेज ओपन होगा। ठीक है, ओपन होने के बाद आप एक बार चेक कर लेना आपका डिटेल्स। तो मैं फाइनली सबमिट में, यहाँ पर कॉर्नर में फाइनली सबमिट का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम में आपका एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ऐसा पेज आएगा, यहाँ पर आप जाके प्रिंट पे क्लिक करना है, आप प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, सो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो अच्छा लगा। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।